इसके है 25,000 पे करीब करीब और 0.25 का एक सिर्फ नंबर छूट गया और 24,999.75 ये नंबर है जो अभी मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया है। जैसे सुबह भी आपको बता रहे थे कि बाजार 25,000 की तरफ बढ़ सकता है, 25,000 की तरफ आ रहा है, लेकिन आज मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। आप देखो करीब 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर आपको तेज़ी के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। 25,000 तक पहुंच गया है, 25,000 के अभी पार नहीं निकला, 25,000 तक पहुंचा है, क्योंकि पार तो तब निकलेगा जब वो 25,000 के एक पॉइंट ऊपर दिखाएगा, अभी तो 0.25 है। इसलिए प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी लैंग्वेज वो चेंज कर लीजिए, वो पार नहीं है, वो 25,000 तक पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जब पार होगा, तो फिलहाल अभी 25,000 पार नहीं हुआ, तो 24,999 है और मेरे को लगता है ये सिर्फ एक नंबर्स भर रह गया है। मार्केट्स का मोमेंटो, मार्केट का चीज़ें, मार्केट को कोई चीज़ नहीं देखनी है। आइए जरा बातचीत करते हैं गुरमीत चड्डा से, काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर वेट कर रहे थे, एक मेरे को छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। गुरमीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए ईटीन और स्वदेश को। सर LTCG आ गया, STCG बढ़ गया है ना, और उससे पहले आपको पता है कि फुल फ्लेज वाली सरकार अब अलायंस की सरकार हो गई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाजार में एक चीज नहीं रुक रही है, वो है तेजी, तेजी और सिर्फ तेजी। सर वजह बता सकते हो? ये दीदी जी पुरानी कहावत है, बुल मार्केट को ब्रेन से कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और मार्केट हमेशा एक्सट्रीम ही रहता है। आपने देखा होगा जब 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 नहीं चल रहा था और कोविड थे और उससे पहले जब सिचुएशन थी, तो बाजार दोनों तरफ कई बार एक्सट्रीम लेता है, बेयरिश साइड पे भी लेता है, बुलिश पे भी लेता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम है, क्योंकि अभी भी हम 22-23 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, हम कोई 27-28-30 के अर्निंग मल्टीपल पे नहीं है। और कुछ एक शॉर्ट टर्म जो बाजार ने जब बजट को आंकलन किया तो उन्होंने देखा कि पॉपुलिज्म इतना ज्यादा नहीं था जितना बाजार डर रहा था। इन्वेस्टमेंट जो था 11.1 लाख करोड़ जो इंटरिम बजट का नंबर था वो मेंटेन किया गया, और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है जॉब क्रिएशन को लेके, चाहे वो 15,000 रुपीज इंसेंटिव देना हो फॉर्मल जॉब क्रिएशन में, या जो इंटर्नशिप वाली स्कीम उन्होंने करी जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ग्रेजुएट्स हैं उनको CSR फंड्स को यूज करने की बात करी। तो बजट फिस्कल डेफिसिट मेंटेन हुआ, एक्सपेंडिचर में कमी नहीं करी, बैलेंस किया पॉपुलिज्म को, तो वो मुझे लगता है बाजार को पसंद आया। और उसके अलावा आपके जो नतीजे आए, जैसे ICICI आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट किया क्योंकि ICICI बैंक नतीजे अच्छे आए हैं, लीडरशिप मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी, HDFC और एक्सिस के नंबर के बाद थोड़ा सा सद्दू था, तो मुझे लगता है वहाँ एक थोड़ा नियर टर्म सपोर्ट मिला है। पर जैसा हम क्रिकेट में कहते हैं कि जब भी आप शतक के नजदीक पहुंचते हैं, शतक पे पहुंचते हैं, एक फ्रेश गार्ड देना चाहिए, कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, ताकि आप लंबा खेल सकें, अभी भी निवेशकों को वही करना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और आपके इंटेलिजेंस से तभी तो आपसे सारी चीज़ें पता कर रहे हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। अच्छा गुरमीत जी एक चीज़ और बताओ, जब भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हाई या लो लग रहा होता है, उस समय कहते हैं इन्वेस्टर्स को भी एक्टिव हो जाना चाहिए, जैसे ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं ना वैसे इन्वेस्टर्स को भी सुपर एक्टिव होना चाहिए जब हाई और लो लगे। तो अभी हाई लग रही है मार्केट के अंदर, चर्निंग कुछ करनी है, किसी से बाहर निकलना है, किसी के अंदर आना है, या फिर कोई और चेंजेस कुछ करने हैं आपके इंटेलिजेंस से, तो ज़रा बता दीजिएगा। बिल्कुल, थोड़ा रीबैलेंसिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी जरूर है, क्योंकि एसेट एलोकेशन चेंज होता है जब बहुत ज़्यादा तेजी आती है इक्विटी में। तो जैसे फॉर एग्जांपल पिछले एक साल में बहुत सारे पोर्टफोलियो में 30-40-50% का रिटर्न दिया होगा, तो आपका इक्विटी एलोकेशन थोड़ा सा लोडेड हो जाता है। और एक कई बार हम ये गलती करते हैं कि फिक्स इनकम में सिर्फ 6-7% ही रिटर्न है, उसको और इक्विटी में डाल दें, तो वो गलती मत करिए, एसेट एलोकेशन मेंटेन रखिए। और थोड़ा सा जहाँ पे बहुत पैसा बन गया है, जैसे आप देखिए कैपिटल गुड्स है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महंगा है, ABB है, ABB इंडिया आज 100 के मल्टीपल पे है, $20-25 बिलियन का मार्केट कैप हो गया है, लेकिन जो ABB ग्लोबल है जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी है, वो 25 के ही मल्टीपल पे और $100 बिलियन पे है। तो हो सकता है कुछ जगह बहुत सारे जो फॉरेन ओनर्स हैं अपनी सब्सिडीज में, हो सकता है कुछ एक स्टेज पे उनको लगे कि थोड़ा इन कैश आउट करना चाहिए। हमने थोड़ा बहुत वो देखा भी है OFS के थ्रू, बहुत सारे कंपनीज में देखने को मिला है जहाँ उनको लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा रीबैलेंस करिए। जैसे डिफेंस स्टॉक्स हैं 3-4-5x हो गए हैं बहुत सारे एक साल में, और शायद अगले 5-7-8 साल की गुड न्यूज को प्राइस इन कर रहे हैं। सिमिलरली आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले हैं PLI में, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया है,
सिमिलरली कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वैल्यूज, जहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्पेस अच्छा नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी अच्छा है, थोड़ा सा आप रीबैलेंस कर सकते हैं, उस सेक्टर्स में जा सकते हैं जहाँ परफॉर्मेंस कंपनीज का अच्छा है बट शेयर प्राइस में उतना मूवमेंट नहीं है, जैसे FMCG है, रूरल रिलेटेड प्ले है, फाइनेंशियल्स है, थोड़ी सी रीबैलेंसिंग जरूर करिए और एसेट एलोकेशन जो है वो दिमाग में रखिए। ठीक है गुरमीत जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट का समय और लूँगा, मेरे को सिर्फ ये और बता दीजिए अब ट्रिगर क्या है, किसको देख के मार्केट में टिकें और किसको देख के मार्केट से निकलें टाइप करके, है ना, जैसे ट्रिगर्स होते हैं ना कि हम ये देखते रहते हैं, अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा नहीं तो ये होगा, एक तो वो ट्रिगर आपके लिए नोटिसेबल ट्रिगर्स क्या हैं और दूसरा ये नोटिसेबल ट्रिगर्स का कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव कैलकुलेशन हो सकता है मार्केट में, एक रफ रफ बताइएगा। मेरे हिसाब से दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर है, एक आप बॉन्ड यील्ड को जरूर ध्यान में रखिए, जब भी बॉन्ड यील्ड में स्पाइक आता है चाहे वो इन्फ्लेशन डेटा की वजह से आया या फेड के, अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि US में पहला रेट कट शायद सितंबर में आएगा और US के इलेक्शंस भी हैं, तो ये अगर रेट कट नहीं आता है तो एक थोड़ा पुशबैक मिल सकता है क्योंकि बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ती है पैसा निकलता है और सेफ हेवंस की तरफ जाता है, तो पहला जो ट्रिगर मार्केट का पॉजिटिव या नेगेटिव होगा बॉन्ड यील्ड किस तरफ जाती है, रेट कट अगर पहली रेट कट साइकिल शुरू होती है तो वो मुझे लगता है पॉजिटिव हो सकती है, जो रेट सेंसिटिव हैं जैसे फाइनेंशियल्स हैं रियल एस्टेट हैं जहाँ जो भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ये एक नियर टर्म ट्रिगर है। सेकेंड, कभी भी जो जी जो रिस्क होती है वो जो बड़ी रिस्क होती है कभी भी टेबल पर नहीं होती है, तो जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तभी रिस्क थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल माहौल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है डाइसी है, अभी पीछे हिजबुल्ला ने इसराइल पे फिर से एस्केलेशन किया है, तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे हमें थोड़ा नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये रिस्क अनअनाउंस्ड आएगी, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा ड्राई पाउडर है, पांच दस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एग्जिट कॉल लीजिए या बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, थोड़ा सा लाइट रहिए और मौके की तलाश में रहिए, कोई बार्गेन डील मिलिए तो एंटर करिए, बट पहला ट्रिगर मेरे हिसाब से जो है वो बॉन्ड यील्ड और रेट कट है जो सितंबर में ड्यू है। ठीक है गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय निकाला आपने और हमको अच्छे से गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, जल्दी मुलाकात होती है आपसे। खैर इस बीच मार्केट्स अपने हाई पे चल रहे हैं और आज निफ्टी ने थोड़ा सा डिले 25,000 लगाया लेकिन बैंक निफ्टी ने 1,000 पॉइंट सुबह कह के चलाया कि देखिए मेरे पास तो डाइवर्जेंस हैं, मेरे पास 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है और अभी पुल बैक आपको और मिलेगा और अभी भी हम 24,978 पे ही कामकाज कर रहे हैं, ये मार्केट बार बार ऊपर आ सकता है, आपको अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस को दोनों को कैलकुलेट करते रहिएगा और जहाँ पर आपको लगे कि इससे अब निकलना है जुड़ना है वो सब कुछ आपको भी गुरमीत गाइड भी कर रहे थे, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद FNO का शो शुरू कर